आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ से, जहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो नए तैनात हुए हैं शहराज मलिक, जो इससे पहले सीईओ टूरिज्म भी रह चुके हैं। और इस हवाले से जहां पे आज उनके दफ्तर में काफ़ी रश देखा गया और लोग उन्हें मिलने के लिए पहुंच रहे थे, वहीं शहराज मलिक ने भी पस मंज़र न्यूज़ से बात की और उन्होंने यज़्म किया है कि आवाम की भलाई के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हाल ही में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ का जो आपने चार्ज संभाला है, इससे पहले आप सीईओ टूरिज्म भी रहे हैं और बॉर्डर एरिया है, बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, तो इस हवाले से एक तो आप कोशिश भी करते हैं लोगों की प्रॉब्लम को हल करने की, लेकिन जानना चाहेंगे कि उसी जज्बे के साथ आज जब आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, तो क्या वो आपके तासुरात होंगे, मैं जानना चाहूँगा, जो पुंछ की आवाम जानना चाहती है कि किस अंदाज़ से वर्किंग का जो स्पिरिट होगा वो होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने परसों ही ज्वाइन किया है यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और साथ में मैं टूरिज़्म की देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो इसको हम निभाएंगे। और पुंछ के जो लोग हैं, जैसे उनकी उम्मीदें हैं उनकी, तो ईमानदारी से उन पर काम भी करेंगे इंशाल्लाह, और जो अल्लाह ने जिम्मेवारी दी है इसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, इसके अलावा इस कुर्सी के हवाले से अगर देखा जाए, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जो इसे डीलिंग में आता है, इसके अलावा दिगर जो आवाम की परेशानियां होती हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पे होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ये चेयर ज़्यादा एक्टिव हो तो बहुत सारे लोगों को जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। इंशाल्लाह आपने ठीक कहा है, लेकिन इसमें यह है कि हम काम तो, क्योंकि 10-15 साल हमें इस कैडर में हो गए हैं, तो हमारा तो मकसद है, ईमान भी यही है कि अगर हम लोगों के काम नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ने हमें यहाँ कर करने का फ़ायदा नहीं है। तो काम तो करना हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए क्योंकि एक तो हमें लोगों का तो हिसाब है, कल हमने मरने के बाद कब्र में भी अल्लाह को हिसाब देना है। ज़रा ज़रा हमारा जो एक्शन होगा, तो मैं आवाम से भी यही अपील करता हूँ कि आप बगैर डरे हुए मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और ऑनेस्टी तरीके से, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या कोई इस किस्म की बात करता है, वो डायरेक्ट मुझे कह दे, तो इंशाल्लाह ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, हमारा मकसद भी है, ईमान भी है, तो अनकरीब हम यहाँ आज हैं तो कल अनकरीब हमें अपने अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, तो हम काम करेंगे, करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर टूरिज़्म में पहले रहा हूँ, तो टूरिज़्म में भी इंशाल्लाह हमने काम करने की कोशिश की है, तो रेवेन्यू में जितने मामला हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसको पूरे तरीके से ईमानदारी से हल करने की कोशिश करें। अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं मंडी से, मंडी से पस मंजर नुमाइंदा रियाज मलिक की ये रिपोर्ट। अ स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट हेडक्वार्टर सुरनकोट एहसान मलिक ने बिजली के मसाइल के बारे में पीएलवी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ की जानिब से डाक बंगलो मंडी में आवाम के दरपेश बिजली के मसाइल को लेकर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की है। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। हम यहाँ पे आए थे मंडी में, हमारे एक्सचेंज साहब भी आए हैं, पीजीडी के एडब्ल्यू साहब हैं, इनका पूरा स्टाफ हमारे साथ आया है आज। तो हमारा मेन यहाँ मकसद आने का ये था कि यहाँ पे कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस थे बिजली के मतलब, कुछ के नाम पे दो दो या तीन तीन कनेक्शन थे, या जिनके वो पेरेंट्स मर गए थे तो अभी उनके नाम पर कनेक्शन चल रहे थे, और दो दो या तीन तीन बिल्स भी आ रहे थे लोगों के, किसी को पोल्स की प्रॉब्लम है, किसी को तार की प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे सचिन जी साहब ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया, तो इस सिलसिले में हम आए यहाँ, और हमारे पीएलवी जो काम कर रहे हैं लोग, हम आए, लोगों के ग्रीवेंसेस हमने सुने, उनसे एप्लीकेशंस भी ली, और मौके के ऊपर इंस्ट्रक्शन जो हैं हमने दी हैं, और एडब्ल्यू साहब एक्सिन साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो मौके के ऊपर लोगों के काम जो हैं, आज जितने लोग आए थे तो उन सब के मामला हमने हल कर दिए हैं। आइंदा भी हम आते रहेंगे, इसके मतलब हम जितने भी ग्रेंसेज लोगों के वो भी सुनेंगे, और जो प्रॉब्लम है वो भी सुनेंगे। हमारे एक्सचेंज साहब भी आते रहते हैं, डब्ल्यू साहब भी आते रहते हैं, वो भी मसाइल इनके हल करते रहते हैं, जो अदालत के मतलब हुआ तो वो भी हम हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपके पास आने के लिए आम लोगों को मतलब किस तरीके से हमारे पीएलवीज यहाँ पे हैं, वो गांव-गांव में हमने पीएलवीज रखे हुए हैं, वो लोगों के काम करते रहते हैं, बिजली के अलावा अभी और भी काम जो है उनके वो करते रहते हैं, और उसके ज़रिए भी हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, जो काम वो नहीं करवा सकते हैं वो हमसे इंस्ट्रक्शन भी ले लेते हैं, हम भी उसमें कोई ऑर्डर पास वगैरह करके, तो लोगों के काम जो है वो गाबगा हो रहे हैं।